अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं। अच्छा व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक और छोटा सा सिस्टम का प्रॉब्लम जो आती है सम टाइम, ये है कि लड़कों को या आगे पीछे घरों में सिस्टम होते हैं, उनमें कोई ना कोई छोटा मोटा इशू होता है, लेकिन वो लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से उनको पता नहीं चलता कि इस सिस्टम को क्या मसला है क्या नहीं। मैं तो आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। जस्ट अब एक सिस्टम ये था, ये 755 मदरबोर्ड है जिसका हमने निकाल के रखा हुआ था। इस मदरबोर्ड में ये है कि इसकी ऑरेंज लाइट ब्लिंक होती थी, जैसे ही ऑन करते थे या इसकी पावर केबल लगाते थे तो इसकी ऑरेंज लाइट ऑन हो जाती थी। उसका क्या कुछ क्या क्या इशू हो सकते हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जस्ट वो अच्छा, तो व्यूवर्स एक चीज़ मैं आपके साथ एक और डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि ये डेस्कटॉप डेल के सिस्टम ऐसे हैं कि ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद होता है और तकरीबन ज़्यादातर यूज़र्स के पास यही घरों में लगे होते हैं, और इनमें यही ज़्यादातर स्टैंडर्ड इशू आता है कि इसकी ऑरेंज लाइट ब्लिंक करती है जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं देता। सम टाइम ये होता है कि आप इसको ऑफ़ करके गए हैं, कुछ दिनों के बाद आप आके ऑन करते हैं तो ये कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, कोई पावर नहीं हो रही और रेड लाइट या ऑन होती है या फिर डिस्प्ले नहीं देता। इसके जो जनरल इश्यूज़ होते हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो इसकी ये होती है कि रैम इसकी जो लगी होती है, मिसाल के तौर पर ये एक रैम, मिसाल के तौर पर इस पर एक रैम लगी हुई है, तो बाज़ कंप्यूटर में तीन रैम है, चार रैम है, इस तरह लगी होती हैं, तो उनको ये होता है कि आप आपके घर का अगर ये सिस्टम है तो इसमें अगर ये रैम लगी है तो इसको आप निकालें, रैम को निकाल के इसकी जो रैम की ये आगे वाली पिनें होती हैं इन पिनों को आप साफ़ कर लें या हल्का सा पानी लगा के, या आप इसके अलावा रबर लेके जो पेंसिल के साथ लगी थी वो ऊपर इसके लगाएं, इसको साफ़ करें, साफ़ करके इसको ये लगा दें। इसको लगाने के बाद दूसरा आपने प्रोसेसिंग का ये करना है कि ये प्रोसेसर इसका लगा होता है, इसके ऊपर ये हीट सिंक होती है, जो हीट सिंक मैंने अभी उतारी हुई है, हीट सिंक होती है, इसको आराम से ये साइड पे क्लिप लगाओ, इस क्लिप को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो इसको साइड पे खींचेंगे थोड़ा सा तो ये ऊपर उठ जाएगा। इसको ऊपर उठा के आपने सबसे पहले ये है कि इस प्रोसेसर की बहुत एहतियात करनी है, इस वजह से क्योंकि इसके नीचे छोटी छोटी बारीक पिन होती हैं, एक पिन भी अगर आपकी ये टेढ़ी हो जाती है जिसकी वजह से फिर आपका ये बोर्ड डैमेज हो जाएगा, उसके बाद ठीक नहीं होगा। आपने इस तरीके से प्रोसेसर को उठा लेना है, उठा के ये प्रोसेसर के नीचे, इसके नीचे जस्ट सर्किट होता है और नीचे ये पिन्स होती हैं, आपको अगर नज़र आ रही हो तो ये सारी पिन्स लगी हैं, ये पिनों में अगर ज़रा सी कोई चीज़ लग जाए जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाए तो उसके बाद प्रोसेसर आपका काम करना छोड़ जाएगा। आपने प्रोसेसर लेना है, प्रोसेसर को लेके आपने इसको साफ़ कर लेना है नीचे से, या उंगली को हल्का सा गीला करके आप इसको कर लें जिससे डिस्चार्ज हो जाए, और उसके बाद आपने इसी प्रोसेसर को आराम से बहुत प्यार के साथ, इसके साइड पे ये दो कट लगे होते हैं अगर आपको नज़र आ रहे हो, एक साइड पे ये कट है, दूसरी साइड पे ये कट है, और इसके अंदर भी ये साइड पे एक ये कट बना हुआ है, एक ये कट, इन दोनों कटों को आपने इस तरीके से बराबर रखना है, बराबर रख के इसको लगा के इसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद इसको ये करके उसके बाद पावर सप्लाई, ये हमने ओपन ही रखी है, पावर सप्लाई हम लगाएंगे, पावर सप्लाई का कनेक्शन इसके देंगे। अच्छा, तो उसके बाद पावर सप्लाई हमने ये लगा दी है, पावर सप्लाई के बाद ये रैम हमने लगाई हुई है, उसके बाद ये हीट सिंक है, हीट सिंक के ऊपर ये प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक हम इस तरीके आधे तौर पर रख लेंगे, उसके बाद ये डिस्प्ले केबल हमने लगाई है, ये पावर केबल हम पावर में लगा के ये इसका पैनल हमने लगाया हुआ है, ये देख लें ऑरेंज लाइट इसकी ब्लिंक आ रही है, ये इसका इशू आ रहा है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ऑरेंज लाइट क्यों आ रही है। अच्छा, ये प्रोसेसर के हीट सिंक को ज़रा प्रेस करके रखें ताकि ये इसको ऑन करके आप जब ऑन करेंगे तो ये देखें ये ग्रीन लाइट हो गई है और इसका डिस्प्ले आ गया है। पावर केबल फिर दोबारा से मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ, ये देखें स्टेटस, अभी इसका मैं पावर केबल को प्रेस करूँगा, ये ग्रीन होकर ऑन हो गया है, इसके बाद इसका डिस्प्ले आ जाएगा। और ये इश्यूज़ हर घर में होते हैं, हर दूसरे तीसरे को होते हैं, अक्सर मुझसे भी कई लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम में ये मसला आ रहा है, ऑरेंज लाइट ब्लिंक हो रही है, या हमारे सिस्टम में इस तरह की बीप आ रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बाकी बीप वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि उसका इशू क्या आता है, वो कैसे सॉल्व होती है, रैम का इशू हो तो किस तरह की बीप आती है, अगर डिस्प्ले ना आ रहा हो, वीजीए का मसला हो, बिजली चिप का मसला हो तो उसकी बीप किस तरह की आती है, ताकि आप लोगों को ये बहुत ईजीली पता चल सके कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। तो व्यूवर्स,
आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक प्रेस करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियो कोई भी आती है तो वो आपके साथ मैं वो वीडियो शेयर कर सकूं। ओके व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।